Assalamualaikum, my dear students. We are today with new lecture, that is diffusion pressure deficit, DPD, or it's called as otherwise suction pressure, SP. क्या है diffusion pressure deficit? मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा ये. आसान शब्दों में है क्या? You know, एक सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी है वाटर एब्जॉर्ब करने की? This is called DPD, simply. Diffusion pressure deficit. Suction pressure. Suction, to suck something, to suck water. Ek cell ke andar kitni capacity hai water absorb karne ki, that's called DPD. Hum kya likhenge DPD ko? What is DPD? It is the measure of, water absorbing capacity. Water absorbing capacity of a cell, yeah, of a system. The water absorbing capacity of a cell or system is called as DPD, or otherwise called as suction pressure. एक cell के अंदर कितनी सलाहियत है water absorb करने की, उसको हम बोलते हैं उसका DPD. मैं आपको समझाऊंगा. या हम इसको इस तरह भी पेश कर सकते हैं. It is the measure of thirst. Gain the water. एक system, एक cell के अंदर कितनी thirst है water absorb करने. It's called DPD, simply. Okay, मैं आपको समझाऊंगा पहले ये. DPD. DPD is equal to OP, osmotic pressure minus turgor pressure. A formula है DPD, calculate करने के. DPD is equal to OP minus DP, diffusion pressure deficit, or SP, suction pressure. DPD is otherwise called suction pressure. DPD is equal to osmotic pressure minus turgor pressure. Now listen. What हमारे पास, चलो मैं यहाँ पर दिखाऊँ. हमारे पास दो cell है. Two cells we have. Cell A and cell B. इस cell के अंदर DPD का value है, for example, 13. Diffusion pressure deficit, pressure units. ये थर्ड एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है, बार भी हो सकता है. इस सेल के अंदर डीपीडी का वैल्यू फॉर एग्जांपल 9 एटमॉस्फेयर्स या 9 पास्कल, व्हाटएवर यूनिट सेम रखेंगे दोनों साइड में. नाउ दो सेल्स के पास, मैंने अभी बोला आपको व्हाट इज डीपीडी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेल इज कॉल्ड डीपीडी, इज कॉल्ड सक्शन प्रेशर. मींस वाटर कहां से, इसमें डीपीडी ज्यादा है, इसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इससे भी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, इसके मुकाबले में कम है. वाटर कहां से कहां जाएगा? वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. समझा रहे हैं? वाटर ऑलवेज, ये लिखो आप नीचे, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. मीन इसमें ज्यादा कैपेसिटी है वाटर गेन करने की, थर्स्ट ज्यादा है इसमें, इसके मुकाबले में कम है. ओके, वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. आप देखो सुभाष, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेल और सिस्टम is called as DPD or suction pressure. ये लिखो, DPD or suction pressure is equal to OP minus TP. Okay, नीचे आ जाओ. Water always moves from lower DPD to higher DPD. ये बनाओ. Cell A, cell B, इसका DPD 13, इसका DPD 9. Atmosphere देखो, pascal लिखो, bar लिखो, दोनों साइड में यूनिट सेम रखना. Pressure यूनिट से इसके. तो water always moves from lower DPD to higher DPD. For example, इसका DPD होता है 10. इसका DPD 5. यहां से यहां. मीन्स अगर इसका DPD होता 9, फॉर एग्जांपल इसका 9 ही है, इसका DPD होता 2, तो इस साइड वाटर जाता है, लवर हायर ऑलवेज. ओके, लवर DPD जो हायर DPD, वाटर हमेशा मूव करता है. नाउ मुझे बोलो पहले, यहां आपके लिए सिंपल आसान शब्द में बोलूंगा, सिंपल सी भाषा में. हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर एक बीकर के अंदर है. मुझे बोलो इसके अंदर DPD कितना होगा? Let's calculate using this formula. We now DPD is equal to OP minus TP, osmotic pressure minus turgor pressure. हमें pure water के लिए calculate करना है. You know DPD will be equal to, बोलो pure water के लिए osmotic pressure कितना होगा? You know osmotic pressure is a property of solutes. जहाँ solute होंगे वही osmotic pressure होगा. मैं तो pure water की बात कर रहा हूँ. Pure water में osmotic pressure होगा ही नहीं. ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट्स. मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं. तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? वैल्यू जीरो प्योर वाटर के. माइनस टर्गर प्रेशर.
तो अगर पैसे सरस में होता है प्योर वाटर में क्या होगा, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल जीरो, डीपीडी विल बी इक्वल टू जीरो फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर डीपीडी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर एज वेल एज टगर प्रेशर बोथ क्वांटिटीज आर जीरो, इन दोनों के वेट जीरो होंगे, डीपीडी वाला जीरो होगा प्योर वाटर के। नाउ अब डीपीडी यू नो इसके वैल्यूज देखेंगे आप, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था टर्गर प्रेशर के वैल्यूज, लेट्स यूज दोज वैल्यूज, उनको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखेंगे डीपीडी के वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट सेल्स के लिए। फॉर एग्जांपल तीन मेन चीजें हम देखेंगे, यहां पे लिख के रखेंगे फॉर्मूला डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ये डीपीडी की जनरल फॉर्मूला है। नाउ टेल मी फर्स्ट हम करेंगे पहले फ्लैशेड सेल के लिए, ओके फॉर फ्लैशेड सेल, फॉर फ्लैशेड सेल बोलो फ्लैशेड सेल के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीपीडी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। हाँ नाउ क्या होगा फिर, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई वैल्यू होगा ना सेल के अंदर, वो डिपेंड करेगा कितने सॉल्यूट से इसमें, तो हम लिख सकते हैं ऐसे डीपीडी विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई वैल्यू होगा फ्लैशेड सेल के अंदर, कोई वैल्यू होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, वो जोट लो कितने सॉल्यूट होंगे, माइनस टीपी, टीपी कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीपी टर्गर प्रेशर इन केस ऑफ फ्लैशेड सेल, टीपी इज जीरो, दैट मींस डीपीडी की फॉर्मूला क्या है, ओपी माइनस टीपी, इन केस ऑफ फ्लैशेड सेल डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक जैसे, आप बोलो डीपीडी या ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लैशेड सेल के लिए दोनों चीजें, फ्लैशेड सेल का डीपीडी या फ्लैशेड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर, हम डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर एक ही टर्म बनती है जब आप करेंगे फ्लैशेड सेल के बारे में बात, बिकॉज टर्गर प्रेशर हैज नो मीनिंग इन केस ऑफ फ्लैशेड सेल, बिकॉज टर्गर प्रेशर इज डीपी, दिस टीपी इक्वल टू जीरो, मींस फॉर फ्लैशेड सेल डीपीडी विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, मींस इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सेल, बिकॉज टर्गर प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ फ्लैशेड सेल। ओके हम देखेंगे फिर फुल्ली टर्जिड सेल के बारे में, फॉर फुल्ली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल, एक सेल ने वाटर किया एब्सॉर्ब फुल टू इट्स कैपेसिटी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीपीडी, यस डीपीडी इज इक्वल टू यू नो नॉर्मली डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डीपीडी इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल, इट विल बी इक्वल टू ओपी, ओपी कितना होगा उसमें आपको पता है ऑलरेडी, यहां पे दिखाऊंगा पहले, इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल टेल मी द वैल्यू ऑफ टीपी, इट इज इक्वल टू ओपी, पिछले चैप्टर में दिखाया था आपको, कार्ड पे देख सकते हो, इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, एक सेल कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगी, कितनी सीवर हो जाएगी डिपेंड करेगा उसमें कितने सॉल्यूट थे, वही कितना टर्गर प्रेशर डेवलप होगा डिपेंड करेगा उसमें कितने सॉल्यूट थे, टीपी इज इक्वल टू ओपी इन केस ऑफ फुली टर्जिड सेल। नाउ हियर गो, अगर ये ओपी फॉर एग्जांपल 10 है माइनस टीपी भी कितना होगा 10 ही, 10 माइनस 10 इज इक्वल 0, फुली टर्जिड सेल हैज डीपीडी इक्वल टू 0, इससे पहले भी हमने किस में देखा 0, प्योर वाटर, प्योर वाटर का डीपीडी 0 है, मींस अब एक ही बात है यहां पे, प्योर वाटर में हमने फुली टर्जिड सेल को डिप किया क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वाटर लूज करेंगे हैंग करें कि दोनों का डीपीडी सेम है, हमने आधी बोला है कि डीपीडी के हिसाब से वाटर कहां से कहां मूव करता है, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, प्योर वाटर का डीपीडी 0, फुली टर्जिड सेल का डीपीडी 0, तो फुली टर्जिड सेल इसी में लगा, प्योर वाटर में डीपीडी की डिफरेंस ही नहीं है, वाटर ना एब्जॉर्ब होगा ना लूज होगा, दैट्स इट, हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, ओके हां हमने क्या बोला फुली टर्जिड सेल के लिए डीपीडी का वैल्यू किसके बराबर है 0, Why? Because टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर सब सेम, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का ये इसके बराबर होता है, TP is equal to OP, अगर 11 है फॉर एग्जांपल ये भी 11 होगा, 11 माइनस 11 दैट इज 0, DPD is equal to 0 for fully turgid cell, means fully turgid cell will not absorb water, it has no thirst to absorb water, it has no capacity to absorb, इसने जितना करना था वाटर एब्जॉर्ब, फुली टर्जिड सेल है पूरी तरह से सेट है, अब इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है वाटर एब्जॉर्ब करने की, दैट्स व्हाई डीपीडी इज इक्वल टू 0, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया और फुल इट्स कैपेसिटी, नो मोर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, ओके। नाउ फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फॉर प्लाज्मो
lies itself. What will be the value of DPD? DPD is equal to OP minus TP. ये पता ही हमें फॉर्मूला है. Now, DPD किसके बराबर होगा यहाँ? You know, plasma lies itself के लिए. OP, osmotic pressure कुछ value होगा. We know it. Minus है, formula का minus है. Tugger pressure कितना होता है वहाँ? Tugger pressure is assumed as negative. तो हम बोलेंगे ब्रैकेट में माइनस टीपी. यार देखो ना, डीपी इज इक्वल ओपी माइनस टीपी. डीपी इज इक्वल ई ओपी, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू होगा वहां, कुछ रूट्स होंगे प्लाज्मा सेल के अंदर. ये फार्मूला का माइनस मिल रहा है, फिर माइनस टगर प्रेशर का वैल्यू कहां होता है? टगर प्रेशर इज अज्यूम्ड एज नेगेटिव, वो अलग नेगेटिव होगा माइनस टीपी. तो हम देख सकते हैं डीपीडी विल बी इक्वल टू ओपी माइनस इनटू माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस टीपी. वेरी हाई वैल्यू फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल. डीपीडी इज इक्वल ओपी प्लस टीपी. फार्मूला तब्दील होती है, फार्मूला के अगेंस्ट है. फार्मूला क्या है? डीपीडी इज इक्वल ओपी माइनस टीपी. इसी का उल्टा होता है यहां. डीपीडी इज इक्वल ओपी प्लस टीपी, हाईएस्ट नोन वैल्यू फॉर डीपीडी. ऑकर्स, आप देखो ना, प्लाज्मा सेल में डीपीडी इज इक्वल ओपी, नॉर्मल डीपीडी इज इक्वल ओपी माइनस टीपी. फ्रीटर सेल डीपीडी इज इक्वल जीरो, हाईएस्ट वैल्यू किसमें है? प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए डीपीडी इज इक्वल ओपी प्लस टीपी. Highest value of DPD occurs in plasmolyzed cell. Means plasmolyzed cell को किसी भी system के साथ, किसी भी cell के साथ जोड़ो, ये water वहाँ से absorb करेगी. It is very high thirst to absorb water. समझा रहा है? समझाऊंगा एक मिनट में एक example से. ये value आपको याद रखनी है. हाँ, ये हो गया हमें solution के साथ. Okay. यहाँ दो examples दूंगा. तो ultimately you will appreciate this concept now. DPD है क्या? अब देखो, एक एग्जांपल दूंगा, अच्छी सी एग्जांपल है. इसके बाद दूसरी एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल नंबर वन, देखो तीन सेल्स है मेरे पास. दिस सेल इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल. ये सेल है फ्लैशर सेल, फ्लैशर सेल. ये सेल है फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल. इसे पूरी तरह से वाटर एब्जॉर्ब किया है, ये ना लूज कर रहे हैं वाटर, ना गेन कर रहे हैं. नॉर्मल सेल, ये सुखा चुकी है, खत्म सेल भी जो प्लाज्मा सेल. व्हाट विल हैपन? वाटर कहां से? पहले मैं डीपीडी की वैल्यू से लिखूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपीडी इन केस ऑफ प्लाज्मा सेल? यस, ओपी प्लस टीपी. वेरी गुड. वैल्यू ऑफ डीपीडी इन केस ऑफ प्लाज्मा सेल? ओपी. वैल्यू ऑफ डीपीडी इन केस ऑफ फ्री रेडिकल सेल? जीरो. ए उन्हीं पूरा नहीं है थाइनस देखो, कहां से कहां जाएगा? लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. लोअर कहां है? जीरो. इसमें ओपी, ओपी कुछ वैल्यू होगा यहां से यहां. सही बात है. लोअर टू हायर ओपी, यहां ओपी का कुछ वैल्यू, यहां भी फॉर एग्जांपल मींस अगर सेम ही होगा, प्लस टीपी ऐड करना है. लोअर टू हायर ये सबसे बड़ा वैल्यू है, ये इससे छोटा है, इस जीरो. ओके, if three cells are connected end to end, plasma cell, plasma cell and fully turned cell, what happen? The movement of water will be like this: fully turned cell to first cell and then first cell to plasma cell. इसे का मैं उल्टा थोड़ा करूंगा, इसे उल्टा थोड़ा बहुत अब दिलाऊंगा. इसमें तीन cells फिर से मैंने जोड़ी A B C, अब मैंने बीच में लगाई plasmolyzed cell. प्लाज्मोलाइज्ड सेल बीच में है, यहां से है फ्लैशर सेल, यहां से है फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली टर्जिड सेल. डीपीडी के वैल्यूज जरा इसमें बोलो मुझे, डीपीडी का वैल्यू क्या है? फ्लैशर सेल में डीपीडी, ये वैल्यूज है ना ऊपर वाले, ये उस सेल के लिए है. डीपीडी का वैल्यू क्या है फ्लैशर सेल के अंदर? अभी देखा ना आपने फ्लैशर सेल के अंदर, यहां ओपी. प्लाज्मोलाइज्ड सेल में DPD is equal to OP plus TP. Fully charged cell में यहाँ DPD is equal to zero. Water कहाँ से कहाँ जाएगा? Lower to higher. क्या हो जाएगा? अगर मैं बनाऊँ ये A cell है, ये B cell है, ये C cell है, कहाँ से कहाँ जाएगा? Imagine. आप सब लोग बोलो कि ऐसा हो जाएगा. C से A तक, A से B तक, ऐसा possible है नहीं.
देखो आप बोलेंगे लावर हायर, लावर ये है, फिर हायर ये है, हाईएस्ट ये है, ऐसा नहीं। फिर तो सेल यहाँ वाटर को निकल रहा होगा सेल से बाहर, जो वाटर सेल से बाहर चला गया तो डीपीडी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहे। आपको सेल टू सेल मूवमेंट दिखाना है, मूवमेंट हो जाएगा ऐसे लावर टू हायर, इसकी हायर लावर टू हायर, प्लाज्मा से बीच में आप रखेंगे ना ये लावर टू हायर बन जाएगा, इसके लिए लावर टू हायर है। इट विल बी फ्रॉम सी टू बी एंड ए टू बी, फ्रेशर सेल टू प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्रेशर सेल टू प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अगर बीच में हम रखेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, यहाँ तो नॉर्मल नॉर्मल वे ही है, लेकिन इस सूरत में डिफरेंट अंदाज में हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी, अदरवाइज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर, मेजर ऑफ वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए सेल और सिस्टम एज कॉल्ड एज डीपीडी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे और कोई लेक्चर।